हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ बिरबल साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ भारती ग्रुप ऑफ कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि फुल लेंथ सीरीज क्या है, और फुल लेंथ सीरीज के बाद देखे थे कि रेंज कैसे लगता है, है ना। लिमिट के बारे में हमने देखा था और रेंज के बारे में देखा था। आज हम देखेंगे डिरिचलेट कंडीशन। क्या देखेंगे आज हम देखेंगे डिरिचलेट कंडीशंस। ये क्या कहता है देखिए, ये कहेगा आपको, ये कहता है अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिफाइन इन द इंटरवल माइनस पाई टू पाई कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फूरियर सीरीज। ठीक है, कहता है कि हमारे पास क्या दिया है, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, है ना, डिफाइन इन इंटरवल माइनस पाई टू पाई। किस पर डिफाइंड होता है? ये डिफाइंड होता है माइनस पाई टू पाई पर डिफाइंड है। ठीक है, तो देखिए, जब इसको आप एक्सप्रेस करते हैं, कहने का मतलब जब इसका आप विस्तार करते हैं, जब इसका विस्तार करेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है स्टूडेंट्स? इसके लिए फॉर्मूला आपके पास बनता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट बाई टू समेशन ऑफ इन्फिनाइट प्लस समेशन ऑफ इन्फिनाइट एन इक्वल टू वन ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। ठीक है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान सुनेंगे। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट बाई टू प्लस समेशन ऑफ इन्फिनाइट एन इक्वल टू वन एन टू ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। ठीक है, जहां पे क्या दिया हमारे पास, ए नॉट ए एन एलसेट्रा पी एन आर रियल नंबर कह सकते हो, जहां पर हमारे पास क्या है, वेयर ए नॉट ए एन एंड बी एन आर रियल। ठीक है, जहां पर क्या होता है कि हमारे पास जो ए नॉट है, ए एन है और बी एन है, वो क्या है, हमारे पास रियल है। रियल कहने का मतलब वो रियल नंबर है। ठीक है, अब कहता है इफ द फॉलोइंग कंडीशन कॉल्ड डिरिचलेट कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस। अब देखिए, इसके कन्वर्जेंस के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो कंडीशन है उसको हम फॉलो कराते हैं। अब फॉलो कराएंगे, वो जो कंडीशन फॉलो करेगी, जो हमारे पास दिए कंडीशन है उसको अगर वो फॉलो करती है, तब ये क्या कहलाएगा हमारे पास, ये डिरिचलेट कंडीशन कहलाता है। देखिए आगे क्या कहता है, देखते हैं। ठीक है, देखिए कहता है आर सेटिस्फाई इन द इंटरवल माइनस पाई टू पाई। तो फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है, देखिए एफ ऑफ एक्स एंड इट्स इंटीग्रल आर फाइनाइट एंड सिंगल वैल्यूड। ये कहता है एफ ऑफ एक्स एंड इट्स इंटीग्रल आर फाइनाइट एंड सिंगल वैल्यूड। कहने का मतलब जो हमारे पास फंक्शन है, वो फंक्शन क्या होना चाहिए, एक फंक्शन तो होना ही चाहिए, और वो फंक्शन कैसा है, वो फंक्शन और उस फंक्शन के इंटीग्रल्स क्या होने चाहिए, फाइनाइट और क्या होने चाहिए, सिंगल वैल्यूड होने चाहिए। एक फंक्शन होना चाहिए कहता है ना, डिजिट का क्या होना चाहिए हमारे पास, एक फंक्शन होना चाहिए और उस फंक्शन की ना, वो फंक्शन क्या होने चाहिए, वो फंक्शन के इंटीग्रल्स क्या होने चाहिए, वो होने चाहिए फाइनाइट होने चाहिए एंड होने चाहिए सिंगल वैल्यूड होने चाहिए। क्लियर। सेकेंड कहता है एफ ऑफ एक्स हैज फाइनाइट नंबर ऑफ द डिसकंटिन्यूअस। अब कहता है हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, जो फाइनाइट नंबर रहेंगे वो क्या होने चाहिए हमारे पास, डिसकंटिन्यूअस होने चाहिए। जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स के जो फाइनाइट नंबर्स मिलेंगे वो क्या होने चाहिए हमारे पास, वो डिसकंटिन्यूअस होने चाहिए। और तीसरा प्रॉपर्टी आपको कहता है स्टूडेंट्स, ये कहता है एफ ऑफ एक्स हैज फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमा। और क्या कहता है कि हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है, वो फाइनाइट नंबर जो बनेगा वो क्या होने चाहिए, मैक्सिमा एंड मिनिमा होने चाहिए, तब ये क्या कहलाता है, तब ये डिरिचलेट कंडीशन को क्या करता है, वो फॉलो करता है। ठीक है, अब देखिए इसी में आगे हम देखते हैं, इसी में आगे हम देखेंगे इवन ऑड फंक्शन के बारे में, है ना। तो क्या कहता है इवन ऑड फंक्शन, ये देखते हैं, ये दिया हुआ है इवन ऑड के लिए। ठीक है, तो कहता है देखिए फंक्शन के लिए, इवन फंक्शन के लिए कहता है स्टूडेंट्स, अ फंक्शन वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज सेट टू बी इवन। अ फंक्शन वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज सेट टू बी इवन इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एग्जाम्पल के लिए देखिए क्या कहता है आपके पास, एग्जाम्पल के लिए आपको कहता है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स। अगर हमारे पास फंक्शन है एग्जाम्पल के लिए एफ ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर आपको एक फंक्शन दिया गया है तो उसकी जगह मैं क्या रख दूं, जहां x है x को माइनस एक्स से मैं रिप्लेस कर देता हूं या माइनस एक्स रख देता हूं स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, वो
पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू को भी रखने के बाद भी क्या दिखाएगा आपको, वो पॉजिटिव नंबर ही शो करता है। क्या शो करेगा आपको, देखिए यहाँ पे वो पॉजिटिव नंबर ही शो करता है। देखिए जैसे फंक्शन मैंने क्या किया था, जहाँ एक्स दिया है एक्स को मैंने माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया, तो माइनस एक्स जब उसको मैंने रिप्लेस किया था तो क्या दिखाया देखो आपको, जब मैंने उसको माइनस एक्स से रिप्लेस किया स्टूडेंट तो क्या हो गया, ऑलरेडी वो प्लस हो गया। अब इसी में देखिए कॉस एक्स इज ए इवन फंक्शन बिकॉज कॉस एक्स कॉस माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है। अब इसी में हम कह सकते हैं जब ट्रिग्नोमेट्री की बारी आती है, ट्रिग्नोमेट्री में जब इवन बताने की बारी आती है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि कॉस एक्स हमारे पास क्या है, वो एक इवन फंक्शन है। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी क्या है वो एक इवन फंक्शन है। देखिए कहता है बिकॉज, क्योंकि कॉस माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, कॉस एक्स हो जाता है। जो माइनस वाले टर्म्स रहते हैं उसको क्या करता है, वो पॉजिटिव टर्म्स में क्या करता है, उसको वो रिप्लेस कर देता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए उसी में दिया आपको पास, यहाँ पे नीचे दिया है आपको ऑड फंक्शन के लिए। तो ऑड फंक्शन क्या कहता है, अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेट टू बी ऑड फंक्शन इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। अब ये कहता है कि अगर मैं x की वैल्यू, जो हमारे पास फंक्शन दिया है उस फंक्शन को मैं क्या हूँ, वो निगेटिव फंक्शन है, तो ऑलरेडी क्या रहता है, वो निगेटिव ही रहेगा, ठीक है ना। देखिए जैसे यहाँ पे दिया ना एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या कहता है, वो माइनस एफ ऑफ एक्स, मतलब अगर जो x रखे हैं x की वैल्यू को मैं अगर रिप्लेस भी करता हूँ तो वो क्या रहेगा, वो निगेटिव वैल्यू भी होनी चाहिए। जैसे कह सकते हैं देखिए एग्जाम्पल के लिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू, है ना, तो x इक्वल टू मैं क्या रख सकता हूँ, माइनस एक्स, तो x इक्वल टू मैं माइनस एक्स रखता हूँ तो क्या शो करेगा, माइनस एक्स क्यू भी शो करेगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स ही आएगा, है ना। क्या कहा देखो, एक्स क्यूब मतलब माइनस एक्स क्यूब, तो माइनस एक्स क्यूब इट मीन्स क्या हो जाएगा, स्क्वायर हुआ तो पॉजिटिव हो गया, बट वो क्या हो गया, हाथ में तीन लिया है, पावर मैंने क्या कर दिया, थ्री कर दिया, तो क्या हो जाएगा, माइनस एक माइनस रह जाएगा अपने पास, तो उसको मैं बाहर ले लेता हूँ, तो क्या शो करेगा, माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, सेम शो करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसी में देखिए कहता है साइन एक्स इज ए ऑड फंक्शन बिकॉज साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है। तो इसमें हम बता सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल की बात आती है, ट्रिग्नोमेट्री की बात आती है तो हम ये बता सकते हैं कि साइन जो एक्स है वो क्या है हमारे पास ऑलरेडी वो ऑड फंक्शन है, क्योंकि साइन माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है, माइनस साइन एक्स ही होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारे पास इवन ऑड फंक्शन के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स, हो गया। तो देखिए ये तो हमारे पास था इवन ऑड फंक्शन था। अब इसी में हम देखते हैं फूरियर सीरीज ऑफ द इवन एंड ऑड फंक्शन, फूरियर सीरीज में हम देखेंगे इवन एंड ऑड फंक्शन। तो देखिए फर्स्ट कहता है आपके पास लेट एफ ऑफ एक्स बी एन इवन फंक्शन, हमारे पास क्या कहता है, हम मान के चलते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो क्या हमारे पास एक इवन फंक्शन है, कब, सो द फूरियर सीरीज ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स कहता है, सो द फूरियर सीरीज ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इन इंटरवल माइनस पाई टू पाई, तब क्या कहेगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट बाई टू प्लस समेशन ऑफ इन्फिनाइट एन इक्वल टू वन, है ना, ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। ये हमारे पास किसका है फंक्शन, ये हमारे पास फूरियर सीरीज का फंक्शन है स्टूडेंट, किसका, फूरियर सीरीज का फंक्शन है, क्लियर। अब इसी को आगे हम एक्सप्लेन करते हैं, क्या बताएंगे इसमें, इवन ऑड, कभी इवन हो जाएगा और कभी ऑड होगा, चलिए देखते हैं कैसे बताएगा ये, ठीक है। देखिए कहता है वेयर ए एन इक्वल टू वन अपॉन पाई, वेयर ए एन इक्वल टू वन अपॉन पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, नेक्स्ट है आपके पास ए एन इक्वल टू वन अपॉन पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, नेक्स्ट है आपके पास बी एन इक्वल टू वन अपॉन पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन डी एक्स, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये इवन ऑड पूछा गया है तो ऑलरेडी क्या बताया है, ये जीरो, लेकिन जीरो को भी हम शो नहीं करेंगे, आगे देखेंगे उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, इसको शो करते हैं जीरो को, ठीक है। देखिए आगे कहता है, यहाँ पे लिख के दिया आपको, सिंस एफ ऑफ एक्स एंड कॉस एन एक्स बोथ आर इवन, अब क्या कहता है, यदि एफ ऑफ एक्स और कॉस एन एक्स क्या हमारे पास दोनों क्या है, चूंकि है ना, चूंकि एफ ऑफ एक्स एंड कॉस एन एक्स बोथ आर इवन, दोनों हमारे पास क्या है, इवन है, सो ए नॉट एंड ए एन आर एंड सो ए नॉट एंड ए एन आर इवन फंक्शन एन इवन फंक्शन एंड साइन एन एक्स इज ए ऑड सो बी एन इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमने देखा है कि कॉस एन एक्स क्या है अपने पास, वो ऑलरेडी कहता है ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में, ऑलरेडी वो कहता है कि कैसा फंक्शन है आपके पास, वो ऑलरेडी आपके पास वो कौन सा फंक्शन है, वो इवन फंक्शन है, ठीक है। और साइन एक्स कैसा है आपके पास, साइन एक्स आपके पास इवन फंक्शन है,
ठीक है, सॉरी साइन एक्स क्या है आपके पास, ऑड फंक्शन है, कॉस इवन में आता है, साइन आता है ऑड में। तो यहाँ जब हम इवन फंक्शन की बात करेंगे तो ऑलरेडी हमारे पास क्या होता है, जो ऑड फंक्शन है वो जीरो हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिए, है ना, तो कहता है देन फूरियर सीरीज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन के लिए हमारे पास फूरियर सीरीज क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट बाई टू प्लस समेशन ऑफ इन्फिनाइट एन इक्वल टू वन ए एन कॉस एन एक्स, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट इसी में क्या कहता है आपके पास, ये ऑड फंक्शन के लिए कहता है। अब ऑड फंक्शन में आते हैं स्टूडेंट्स, तो ऑड फंक्शन क्या कहेगा देखो आपको, लेट एफ ऑफ एक्स बी एन ऑड फंक्शन देन द फूरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इन इंटरवल माइनस पाई टू पाई, क्लियर। लेट एफ ऑफ एक्स बी एन ए ऑड फंक्शन देन द फूरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इंटरवल माइनस पाई टू पाई, ठीक है। अब ये कहता है हम यहाँ मान के चलते हैं कि हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स वो ऑड फंक्शन है, तब क्या करते हैं कि हमारे पास फूरियर सीरीज किस पे है, एक इंटरवल पे हम फूरियर सीरीज बनाते हैं माइनस पाई टू पाई, ये इंटरवल है। तब क्या कहता है देखो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट बाई टू प्लस समेशन ऑफ इन्फिनाइट एन इक्वल टू वन ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। यहाँ भी सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे हम, देखिए वेयर ए नॉट इक्वल टू वन बाई पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जीरो ए एन इक्वल टू वन अपॉन पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स इक्वल टू जीरो बी एन इक्वल टू वन अपॉन माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब जैसे हम इवन के लिए बताए थे, सेम किसके लिए बताएंगे स्टूडेंट, सेम हम बताते हैं यहाँ पे ऑड के लिए, मैंने बताया था ना, सॉरी जैसे हम लोग इवन के लिए बताया था वैसे हम किसके लिए बताएंगे, ऑड के लिए, ठीक है। देखिए अब कहता है सिंस चूंकि एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड एन कॉस एन एक्स इज ए इवन, ठीक है। कहता है सिंस एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड एन कॉस एन एक्स इज एन इवन, है ना। तो हमारे पास क्या कहता है इस फंक्शन में कि जो हमारे पास फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स ऑड फंक्शन है और कॉस क्या है हमारे पास, कॉस एक इवन फंक्शन है। तब हम क्या शो करते हैं, सो ए एन इक्वल टू जीरो एंड ए नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जो ए वाला टर्म्स है, ए वाला जो टर्म्स है वो टर्म्स क्या हो जाएगा आपके पास ऑलरेडी, वो क्या हो जाएगा आपके लिए जीरो हो जाएगा। अब बचा सिर्फ क्या आपके पास साइन एक्स वाला टर्म्स, है ना। तो हम सिर्फ क्या बताएंगे, बट एफ ऑफ एक्स एंड साइन एन एक्स बोथ आर ऑड फंक्शन सो बी एन इज ऑड फंक्शन, या मिस प्रिंट है ना, सो बी एन इज ऑड फंक्शन देन फ्रॉम इक्वेशन वन, ठीक है। तब क्या बनेगा आपके पास, देखिए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू समेशन ऑफ इन्फिनाइट एन इक्वल टू वन बी एन साइन एन एक्स करके, ये हमारे पास इसका फंक्शन बनेगा स्टूडेंट्स, ठीक है, किसके लिए, फूरियर सीरीज में ऑड फंक्शन के लिए, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट इसी में कहता है आपको, यहाँ पे नेक्स्ट आप किसी में कहता है हाफ रेंज फूरियर सीरीज। तो हाफ रेंज फूरियर सीरीज में हम क्या देखते हैं, इसमें भी आप देखेंगे साइन कोसाइन फॉर्मूला देखते हैं। तो साइन कोसाइन के लिए क्या कहता है, देखिए यहाँ से हम पढ़ते हैं और देखते हैं, कहता है फूरियर सीरीज कोसाइन सीरीज, फूरियर कोसाइन सीरीज, तो ये कहेगा इंटरवल क्या रहेगा इसका, जीरो टू एल। कहता है देखिए लेट एफ ऑफ एक्स बी कंटिन्यूअस ऑन इंटरवल जीरो टू एल देन द फूरियर सीरीज या देन द फूरियर सीरीज कॉस फूरियर सीरीज, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कहता है लेट एफ ऑफ एक्स बी कंटिन्यूअस एन इंटरवल जीरो टू एल देन द फूरियर सीरीज देन द फूरियर कोसाइन सीरीज एक्सपांशन ऑफ, है ना, कहता है देन द फूरियर कोसाइन सीरीज एक्सपांशन ऑफ एफ ऑफ एक्स ऑन द हाफ रेंज इंटरवल जीरो टू एल इज गिवन बाय, क्या शो करेगा गिवन बाय में स्टूडेंट्स, ये शो करता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट बाई टू प्लस समेशन ऑफ इन्फिनाइट एन इक्वल टू वन ए एन कॉस टू एन पाई एक्स अपॉन टू एल। देखिए टू एल क्यों आएगा, फिर से मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा, टू एल निकालूंगा तो फिर से यहाँ पे मैं क्या करता हूँ इसकी वैल्यू पुट करता हूँ, तो टू टू क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट कहता है देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, फिर क्या कहेगा एफ ऑफ एक्स ए नॉट बाई टू प्लस समेशन ऑफ इन्फिनाइट एन इक्वल टू वन ए एन कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल, ठीक है। वेयर ए नॉट इक्वल टू टू बाई एल इंटीग्रेशन जीरो टू एल एफ ऑफ एक्स डी एक्स करके, अगर सीरीज ये बनी हमारे पास तो हमको फॉर्मूला मालूम है कैसे बनाते हैं, टू मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये सीरीज बन जाती है, किसके थ्रू,
इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी के थ्रू, एज ए प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो फिर क्या देगा, एन इक्वल टू क्या देता है, एन इक्वल टू भी आपको देगा 2 बाई एल इंटीग्रेशन 0 टू एल एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स अपॉन एल, ठीक है। एट अ पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी देन फूरियर सीरीज टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। नेक्स्ट आपको कहता है साइन, है ना, फूरियर साइन सीरीज के लिए। तो फूरियर साइन सीरीज के लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपके पास, देखिए ये रहेगा आपके पास फूरियर साइन सीरीज के लिए। फूरियर साइन सीरीज में आप फिर से वही अप्लाई करेंगे, है ना, कहेंगे कि आप मान कर चलेंगे कि आपके पास क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन हो जाएगा जो कंटिन्यूस फंक्शन है, किस पे, लिमिट जीरो टू एल पे। तब आपके पास फूरियर साइन सीरीज कैसे बनेगी, तब वो बनेगी आपके पास, ये बनेगी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू समेशन ऑफ इन्फिनाइट एन इक्वल टू वन बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, ठीक है। अब देखिए इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे तो क्या दिखाएगा आपको, देखिए स्टूडेंट्स इसको अगर हम आगे एक्सप्लेन करते हैं तो दिखाता है वेयर बी एन इक्वल टू 2 बाई एल इंटीग्रेशन 0 टू एल एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स एट बोथ द एंड पॉइंट एक्स नॉट इक्वल टू एक्स इक्वल टू जीरो एंड एल देन सीरीज कन्वर्जेंस टू जीरो, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो जाता है हमारे पास किसके लिए, ये हो गया हमारे लिए पूरा हाफ रेंज फूरियर सीरीज के लिए साइन कोसाइन सीरीज जो हम बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें हमने पूरी तरह देख ली, अभी लिमिट देखी है ना, लिमिट में हमने क्या क्या पढ़ लिया, इसके बाद हमसे क्वेश्चन देखेंगे, इस क्वेश्चन को हम इसको देखेंगे नेक्स्ट क्लास जब लेकर आएंगे तो उसमें हम इसका क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। हमने क्या क्या देखा अभी डिस्क्रीट कंडीशन देखा, और डिस्क्रीट के बाद हमने क्या देखा, उसमें इवन ऑड फंक्शन को चेक कर लिया, उसके बाद हमने देखा कि हाफ रेंज फूरियर सीरीज बताया, तो हाफ रेंज फूरियर सीरीज किसमें काम करता है, वो जीरो टू एल लिमिट पे काम करता है, जीरो टू एल लिमिट पे काम करता है। देखिए आप जब फूरियर सीरीज पढ़ते हैं तो सब में सिर्फ लिमिट का ही खेल है, आप क्या करेंगे जहां पे उसका रेंज रहता है उस रेंज को आप चेंज करते आते हैं। अगर सिंपल अगर फॉर्मूला कहते तो हम कहां पे बनाते हैं, उसकी लिमिट होती है ए टू बी या माइनस ए टू ए से हम बनाते हैं या ए टू बी से बनाते हैं, लेकिन जैसे ही हम वहां पे लिमिट रखना स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट तो फंक्शन हमारा चेंज होना शुरू हो जाता है, उसके बाद वो फूरियर सीरीज का जो फंक्शन है वो उस रेंज के अकॉर्डिंग क्या होता है, वो चेंज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसी से हमारे पास बनता है नॉर्मल फूरियर सीरीज बनता है, फुल रेंज फूरियर सीरीज बन जाता है, है ना, कभी हाफ रेंज फूरियर सीरीज बनता है, इवन ऑड फंक्शन भी बनता है, ठीक है, डिस्क्रीट कंडीशन भी बनता है। देखिए डिस्क्रीट कंडीशन तो अलग टाइप से होती है, ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रख के आप पढ़ेंगे और बनाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके और जितने भी क्वेश्चन है उसको हम चेक करेंगे, ठीक है, चलिए ठीक, थैंक यू।